हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बालों के लिए इतनी हेल्दी रेमेडी लेके आए हैं फ्रेंड्स कि नारियल तेल में ये चीज़ मिला के लगा लेंगे तो आपके बाल रातों रात लंबे होंगे और इतने ज़्यादा घने होंगे फ्रेंड्स। आप इसको कंटिन्यू अगर अप्लाई कर लेंगे तो आपके बालों की जो समस्याएँ वो पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल इतने सिल्की शाइनिंग मजबूत होंगे। और दूसरी चीज़ इसमें लेंगे, हमने ले लिया है एलोवेरा जेल। तो इसमें नारियल तेल और एलोवेरा जेल ले लिए हैं। ये इतना ज़्यादा फायदा करता है हमारे बालों के लिए, एकदम सिल्की शाइनिंग और मजबूत बनाता है, हमारे बालों को दोबारा से रीग्रोथ का काम करता है ये। और नारियल तेल में भी इतने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं कि हमारे बालों को बहुत ही हेल्दी बनाए रखता है। तीसरी चीज़ इसमें ऐड कर देंगे विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल आप किसी भी तरीके से अपने बालों में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे जो बाल झड़ते हैं वो बिल्कुल कंट्रोल होते हैं। हमारे बालों की लेंथ को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है ये। तो विटामिन ई का कैप्सूल को आप किसी भी तरीके से, तो आप या तो अगर रोज़ जो भी तेल कोई से भी यूज करते हैं उसी में मिक्स करके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या आप इसको शैम्पू में भी मिक्स करके लगा सकते हैं फ्रेंड्स। मैं यकीन से बोल रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, इसका जो विटामिन ई में जो ऑयल निकलता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। तो इस तरीके से आपको ये रेमेडी बना के तैयार करनी है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, एक वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो, लाइक, शेयर करें। वहाँ पे भी आपको ऐसी रेमेडी देखने को मिलेगी। और कौन सी रेमेडी या रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे को कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हम आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आपको नारियल तेल में ये चीज़ें मिक्स करके आपको अप्लाई करना है। और कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करेंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाली, हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा बालों को ब्लैक कर देगी वो, कि आपको नेचुरल कोई भी इसमें डाई या कोई भी आपको अलग से केमिकल युक्त चीज़ें नहीं लगानी पड़ेगी। आप नेचुरल अगर चीज़ें यूज करेंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो वो चीज़ हमने ले लिया है विटामिन, ये जो हमने इसमें आंवला ले लिया, तो आंवले में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है ये। तो इस तरीके से हम इसको ग्रेट कर लेंगे, इसका जूस निकाल के आपको अप्लाई करना। आप इसको फ्रेंड्स हफ्ते में कम से कम इसको 2 से 3 बार आंवले का जूस को यूज करके आप इसको बनाएंगे, आपके बालों में अप्लाई करेंगे तो आपके बाल इतने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे बालों को झड़ने से भी रोकता है, हमारे बालों को दोबारा से उगाने का काम करता है, हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है और हमारे बालों को नेचुरल कलर देता है। तो आंवला आप किसी भी तरीके से आप इसको खा सकते हैं, या आपके बालों में इस तरीके से नहाने से पहले आप इसको या तो 15 मिनट या 20 मिनट पहले लगाइए, जो बालों में सूखने के बाद में आपको बालों को धोना है। और नई टाइम है तो आप इसको रात को लगा के सो जाना, आपके बाल इतने ज़्यादा लंबे घने होंगे, मजबूत होंगे, आपके बालों का रिजल्ट खुद देख के लोगों को बताने लगेंगे, आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर को, कि मेरे बालों का इतना बेस्ट रिजल्ट आया है। और दूसरी चीज़ हमने ले लिया है इसमें, जो आंवला ले लिया है उसमें प्याज का रस ले लेंगे, तो प्याज का रस भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो आंवला जूस, प्याज का जूस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है हमारे बालों को, बहुत ही सिल्की शाइनिंग, जो भी बालों में समस्या रहती है वो पूरी जड़ से ख़त्म कर देता है ये। तो अब ले लेना आपको एक कोई कपड़ा, और उसमें आपको इसको निचोड़ के जो भी इसका जूस है उसको निकाल लेना है। आप छन्नी की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। तो इतना ज़्यादा फायदा करने वाली हेल्दी रेमेडी है फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करें। फ्रेंड्स, मेरे कहने से आप एक बार ज़रूर अप्लाई करें, आपको एक या दो बार में आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट समझ में आएगा, और आप इसको कंटिन्यू अप्लाई करेंगे, आपके बालों की जो समस्या है वो भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी। और आप इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक लगा सकते हैं, इसमें कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होती है और ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाली होती है, हमारे बालों को बहुत ही नेचुरल हेल्दी बना के रखती हैं ये। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया जो जूस बना था उसको निकाल के, इसमें हमने कटोरी में अब इसको मिक्स कर लेंगे। इतना ज़्यादा फायदा करने वाली रेमेडी है कि आप इसके फायदे देख के चौंक जाएंगे, आपके बालों की इतने ज़्यादा सिल्की शाइनिंग मजबूत, लोग पूछने लगेंगे कि आपने लगाया क्या है। इस तरीके से रेमेडी बना के आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेल्दी रेमेडी है ये। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, एक वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस करें, और अभी तक आपने फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो, लाइक, शेयर करें। अब इसमें ऐड कर देंगे ओले ऑयल, ये जैतून का तेल, ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है।
क्योंकि इसमें ओलिव ऑयल में इतने सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं कि हमारे बालों को जो भी पोषण नहीं मिलता है तो उससे बिल्कुल अच्छे से पोषण मिलता है। इसमें जो ओलिव ऑयल में इतने सारे न्यूट्रिशन रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, जो हमारे बालों को जो ज़रूरत होती है वो इसमें मिल जाते हैं। तो आप इसको जो जैतून का तेल के नाम से भी इसको जान सकते हैं या ओलिव ऑयल के नाम से भी इसको ला सकते हैं। और आप इसको रोज़ अगर आपके बालों में मसाज करेंगे तो आपके बालों के जो रिजल्ट आप खुद देखेंगे, चौंक जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, आप इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करें। और वीडियो जो भी कैसा भी पसंद आए तो आप हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक देंगे तो आप हमारे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये रेमेडी बनके तैयार हो गई। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, आपको मिक्स अच्छे से करना है कि ये चीज़ें जो हमने ऐड किया वो पूरी मिक्स होंगी, तभी हमारे बालों में ये अच्छे से अप्लाई हो पाएंगे, जो हमारे बालों को जो पोषण चाहिए वो अच्छे से मिल पाएगा। तो आप इस तरीके से इसको मिक्स करना है और आपको इसको रात को लगा के सो जाना है। या आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको सुबह भी लगा सकते हैं, नहाने से पहले भी, और रात को लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएंगे। और अगर ठंड के टाइम आप इसको रात को नहीं लगाना चाहें तो आप इसको नहाने से आधा घंटा पहले लगाएं, आपको बहुत ही सारे इसके फायदे देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।